नमस्कार, वेब दुनिया कैंपस लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति, और इस बार युवाओं से जानेंगे कि क्या सीबीएसई में हिंदी को 10th तक अनिवार्य किया जाना चाहिए। चलिए जानते हैं क्या है युवाओं की राय। हेलो, माय नेम इज आशीष देवरा। हिंदी मीडियम की जो वैल्यूज है वो रहना चाहिए। जो ग्राउंड वैल्यूज है, हमारे ह्यूमन कल्चर जो है, हमारा जो नेशन है वो पूरा हिंदू पे डेवलप डिपेंड करता है, और हमें हमारे जो एथिक्स है, हमारे वैल्यूज है, हमारा जो कल्चर है, ये सब बहुत मैटर करता है। तो हमें हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है। उन्हें अगर ये पता रहेगा तो आगे जाके हमारी वैल्यूज़ को और आगे बढ़ाएंगे, जनरेशन टू जनरेशन और आगे बढ़ेंगे और नई नई चीज़ें सीखेंगे। अगर हमें उन्हें यही नहीं पता होगा कि हमारे यहाँ इंडियन वैल्यूज़ क्या है, कल्चर्स क्या है, तो आगे फॉरेन में जाके क्या लोगों को क्या क्या शो करेंगे, क्या क्या दिखाएंगे कि हम ये हैं वो है। हिंदी गुड करना चाहिए, हिंदी को टेंथ तक। एक्चुअली हिंदी कंपलसरी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी देश की मातृभाषा है, और हम देख रहे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि हिंदी को अपन को बढ़ावा देना है, इंग्लिश सिर्फ 10 साल तक रहेगी। तो उसके लिए अगर जो जो हम नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं वो हमें लेना चाहिए, और हिंदी सिर्फ हमें बोलने के लिए यूज़ नहीं करनी है। हिंदी हम जैसे दूसरी कंट्रीज़ में इंग्लिश यूज़ हो रही है, वैसे हमें अपनी कंट्रीज़ में हिंदी को यूज़ करना चाहिए, ताकि इससे एक पूरा प्रोसेस होगा। क्योंकि जैसे हम MPBSC और UPSC है, उसमें भी हिंदी कंपलसरी कर दी गई है, तो हमें सारी स्ट्रीम्स में से हिंदी को कंपलसरी करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मुझे बेसिकली सही में लगता है कि ये हिंदी को कंपलसरी करनी चाहिए। पहले तो ये अपनी एक इंडिया की एक अपनी अच्छी सी लैंग्वेज है ये, और इंडियन लैंग्वेज है जैसे हिंदी, तो इसे तो करना ही चाहिए। और विदाउट हिंदी आप कैसे से आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि स्पेशली मैं बात करूँ फ्रेंच की या जर्मनी की, तो उनकी लैंग्वेजेस हर कंट्री में अपनी अपनी लैंग्वेजेस कंपलसरी है। जैसे इटालियन की बात करूँगी, उनके इटालियन वहाँ कंपलसरी, तो अपनी हिंदी क्यों नहीं हटाना चाहिए। पहले हिंदी बेसिक्स में मैं CBSE या KV के अंदर देखा हूँ कि वहाँ पर ज़्यादा कोई नॉलेज रहता नहीं है हिंदी का। आप आँ की मात्रा बताइए या छोटी ऊ की मात्रा बताइए, बच्चों कोई नॉलेज नहीं। तो एक बेसिक टर्म से 10th तक का तो कंपलसरी रहने चाहिए, 8th तक तो कोई भी नॉलेज नहीं रहता इस चीज़ का। तो बेसिकली इसे हिंदी इज़ कंपलसरी ऑन द KV एंड CBSE, आई थिंक सो। हिंदी तो हमारी मदर लैंग्वेज है, तो इसको हमें फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। चाइना वगैरह, अदर कंट्रीज, अफगानिस्तान हुए, ये सब सारे के सारे नेशंस, पाकिस्तान वगैरह, ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंस अपनी मेन लैंग्वेज को करते हैं। देखा जाए तो जो चीज़ हिंदी में क्लैरिफाई जस्टिफाई होती है वो इंग्लिश में कहाँ होती है। आई थिंक दैट 10th की जगह 12th तक भी इम्पार्ट करना चाहिए। सो आई थिंक दैट वी शुड गो विद दैट। मेरे हिसाब से इंडिया में 10th की जगह 12th तक हिंदी मैंडेटरी कंडीट कर देनी चाहिए, क्योंकि चाइना और ऐसी कंट्रीज़ जो अपनी साथ वाली कंट्रीज़ है आसपास वाली, वो खुद भी अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है। इवन वहाँ पे वेबसाइट्स भी उन्हीं लैंग्वेज में डिज़ाइन रहती है, तो सब अपनी लैंग्वेज को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो वाई शुड वी नॉट गिव आवर लैंग्वेज प्रेफरेंस। और सेकंड थिंग ये कि इंग्लिश में होनी चाहिए, लेकिन अपन अपनी कंट्री के चीज़ से अटैच ही नहीं रहेंगे, तो उस चीज़ का क्या मतलब निकला जब तक हिंदी है। तो क्या वैल्यूज़ अपन फर्दर अपने आगे प्रोसीड करेंगे अगर हिंदी मैंडेटरी नहीं करेंगे, तो इससे मेरे साथ हिंदी मैंडेटरी। हिंदी वैसे तो राजभाषा है हमारी, गवर्नमेंट सेक्टर्स में यूज़ की जाती है, तो अगर इंडियन रेसिडेंट है कोई और यहाँ पे जॉब करता है, तो उसको हिंदी तो आनी चाहिए ना। तो इसलिए हिंदी को आगे और हमें प्रमोट करना चाहिए, और ये जो TV में 10th क्लास तक हिंदी को अनिवार्य किया है, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। तो हिसाब से हिंदी को अनिवार्य नहीं करना चाहिए, ऑप्शन ही रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभी देश प्रगति कर रहा है और विश्व प्रगति कर रहा है, तो पूरे विश्व की जो कॉमन लैंग्वेज है वो अंग्रेजी बन चुकी है आज की तारीख में। और जब तक आपको इंग्लिश नहीं आती रहेगी, तब तक आप अपने जीवन में आगे सफलता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। हिंदी जरूर अपनी मातृभाषा है, उसको खत्म नहीं होने देना चाहिए, पर अनिवार्य भी नहीं करना चाहिए।